या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दमाता रूपेण संशतः नमस्तस्ये 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 नमो नमः। प्रिय भक्तगणों, आज शारदीय नवरात्रि का पांचवा दिन है और आज अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज के दिन माता स्कंद माता की कथा श्रवण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। श्रवणकर्ता को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली कुष्मांडा माता की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से जरूर सुनिएगा। दोस्तों, गौरी पुत्र गणेश का नाम लेकर कथा का आरंभ करते हैं। जब देवी पार्वती भगवान स्कंद की माँ बनी तो माता पार्वती को देवी स्कंद माता के रूप में जाना जाने लगा। दुर्गा माँ का पांचवा स्वरूप है माता स्कंद माता और माँ पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का एक वैकल्पिक नाम है जो युद्ध के देवता हैं। देवी स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के पांचवें दिन नौ दुर्गा के रूप में होती है। माँ स्कंद माता अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को नुकसान से बचाती है, वह एक शक्तिशाली देवी हैं जिनके प्यार और देखभाल ने भगवान कार्तिकेय को राक्षस तारकासुर को हराने में मदद की। बहुत समय पहले भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था। जब सती ने अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को विसर्जित कर दिया तो भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने सभी सांसारिक मामलों को छोड़ने का फैसला किया और गहरी तपस्या में चले गए। जल्द ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर हमला करके दहशत और परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। यह बड़ी चिंता का कारण था क्योंकि भगवान शिव का वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र ही मार सकते थे। तो अन्य सभी देवताओं के अनुरोध पर ऋषि नारद ने माँ पार्वती से मुलाकात की। उन्होंने देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उन्हें उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। ऋषि नारद ने समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की एक संतान होगी जो राक्षस तारकासुर को हराएगी। भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए कि माँ पार्वती ही देवी सती का अवतार थी, माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और 1000 से अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। जब भगवान शिव की ऊर्जा में पार्वती के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि यह उग्र बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा को सौंप दिया, जिन्होंने तब बीज को सुरक्षित रूप से संभाला और इसे श्रवण रीडों के जंगल में बो दिया। यहाँ 6 बहनों द्वारा बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में जाना जाता है। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में बदल गया। क्योंकि कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की, इसलिए इस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा। जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष हथियार दिए गए। कार्तिकेय ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंततः राक्षस को मार डाला और दुनिया में शांति की स्थापना की।
क्योंकि कार्तिकेय का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संस्कृत में अर्थ है उत्सर्जक। और उनकी माता मां पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। देवी स्कंद माता की कथा मां बेटे के रिश्ते का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि मां स्कंद माता भक्तों को मोक्ष, शक्ति, समृद्धि और खजाने से पुरस्कृत करती हैं। उनका आशीर्वाद दोगुना हो जाता है, क्योंकि जब भक्त उनकी पूजा करते हैं तो उनकी गोद में उनके पुत्र भगवान स्कंद की स्वचालित रूप से पूजा की जाती है। इस प्रकार भक्त भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ स्कंद माता की कृपा का आनंद भी लेते हैं। यदि कोई भक्त बिना स्वार्थ के इनकी पूजा करता है तो देवी स्कंद माता एक सच्ची माँ की तरह उन्हें शक्ति और समृद्धि प्रदान करती हैं। माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए तपस्या की और भगवान कार्तिकेय को इस दुनिया में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह एक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली बच्चे की माँ है, जिन्होंने हमारे बीच शांति और सद्भाव बहाल किया। देवी स्कंद माता भगवान कार्तिकेय को अपनी दाहिनी भुजा में पकड़े हुए दिखाई देती हैं, और जो लोग इन देवी की पूजा करते हैं उन्हें भी भगवान कार्तिकेय की पूजा करने का लाभ मिलता है। देवी स्कंद माता की पूजा भगवान कार्तिकेय के बिना अधूरी है। स्कंद का अर्थ है छह सिर वाला और मन के साथ साथ पांच इंद्रियों में से मेल खाता है। यह एक ऐसे व्यक्ति को स्तंभित करता है जो क्रोध, मद, लोभ और मत्स्य और जैसे दोषों को नियंत्रित कर सकता है। कमल के फूल पर विराजमान होने के कारण माता स्कंद माता को पद्मासन के नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का आशीर्वाद आपकी बुद्धि को बढ़ाने में सहायता करता है, क्योंकि वह बृहस्पति ग्रह पर शासन करती हैं। देवी स्कंद माता को प्रेम और मातृत्व की देवी माना जाता है। जो भक्त पार्वती के इस रूप की अत्यंत भक्ति के साथ पूजा करते हैं उन्हें देवी स्कंद माता माँ की तरह प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता का वाहन सिंह है। जो भी साधक संतान कामना करते हैं उन्हें स्कंद माता माता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता को सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की आरती। ओम जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता, परम सुखदाई मैया तुमसे सुख आता। ओम जय स्कंद माता, शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष भक्त पावे, द्वार तिहारे आवे, खाली नहीं जावे। ओम जय स्कंद माता, चार भुजा धारी माँ, हस्त कमल सोहे, स्कंद संग में विराजे, छवि अति मन मोहे। ओम जय स्कंद माता, पंचन पंचम नवरात्रि में ध्यान भक्त धरे, मन वांछित फल पावे, कष्ट मधुर करे। ओम जय स्कंद माता, रूप निराला है माँ का, जन गुण गान करे, कर दो कृपा है मैया तुम्हारे द्वार खड़े। ओम जय स्कंद माता, विपदा हरती हो मैया जो मन से ध्यान करे, साधक नित्य
हर्षाए, जय जय माँ की करे, ओम जय स्कंद माता। विपदा हरती हो मैया, जो मन से ध्यान करे, साधक नित हर्षाए, जय जय माँ की करे, ओम जय स्कंद माता। शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग जाने, कार्तिके करे वंदन मैया ये जग माने, ओम जय स्कंद माता। तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीते, तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते, ओम जय स्कंद माता की आरती जो मन से गाए, भव बंधन से छोटे नित सुख वो पाए, ओम जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता, परम सुखदाई मैया तुमसे है सुख आता, ओम जय स्कंद माता। जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन धावत, तुमको निश दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन धावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, उज्जल से दौ नैना, निर्मल से दौ नैना, चंद्र वदन नी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मद माती, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधुकैट विदो मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी, ओम जय अम्बे गौरी। चौसठ योगिनी मंगल गावे नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंग
अरे बाजत डमरु ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचारयति शोभित वरमुद्राधारी, स्वनवांचित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, उमैया प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, तुम को निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता दी।